पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने आज लुधियाना की पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में एक डिबेट रखी थी, जिसको ओपन डिबेट बोला गया था, और विरोधी पार्टियों के जो प्रधान हैं उनको बुलाया गया था, कांग्रेस, श्रोमणी अकाली दल, बीजेपी। लेकिन बड़ी बात यह है कि श्रोमणी अकाली दल, कांग्रेस, बीजेपी तीनों के प्रधान जो है यहाँ नहीं पहुँचे। उन्होंने ये जो डिबेट थी उसको स्किप किया, क्योंकि उनका एतराज़ था कि जिस तरह ये कंडक्ट की जा रही है वो गलत तरीके से है। लेकिन चीफ मिनिस्टर ने खुद मोर्चा संभाला, हालांकि मीडिया को अंदर अलाउ नहीं किया गया, पार्टी ने अपने लिंक्स प्रोवाइड किए, लेकिन जिस खुद चीफ मिनिस्टर अकेले ही स्टेज पे लिंक उन्होंने जो है मोर्चा संभाला, और किस तरह SYL के लिए या और इश्यूज़ के लिए दूसरी पार्टी चाहे कांग्रेस, अकाली दल, बीजेपी जिम्मेवार है वो गिनवाए। लेकिन पूरा दिन आज यहाँ पर पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर जो है हैवी बैरिकेडिंग रही, काफ़ी भारी मात्रा में पुलिस रही, और अलग अलग चाहे वो टीचर्स हों या कुछ इंडिपेंडेंटली लोग हों, कुछ पॉलिटिशियंस हों जो यहाँ डिबेट का हिस्सा बनना चाहते थे, उनको यहाँ से डिनाई की गई एंट्री। नारेबाजी होती रही, स्लोगनरिंग होती रही, सुबह कुछ लोगों को डिटेन भी किया गया। लेकिन बड़ी बात यह है कि चीफ मिनिस्टर की जो डिबेट थी उसको अपोजिशन ने बॉयकॉट किया, अपोजिशन उससे दूर रही यहाँ, और उन मंच में सिर्फ चीफ मिनिस्टर थे, और जो अपोजिशन के लिए कुर्सियाँ लगाई गई थी कांग्रेस प्रधान के लिए, अकाली दल प्रधान के लिए या बीजेपी के प्रधान के लिए, वो सभी खाली रही, ऐसे ही रही। और चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने हर इशूज़ पे अपनी पार्टी का पक्ष रखा, और किस तरह दूसरे पार्टी जिम्मेवार हैं वो दिखाया। कैमरा पर्सन मेहरबान के साथ असीम बबसी, ABP News, लुधियाना।